सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ये केबल अगर यूज करते हो डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये बिल्कुल यूज करने वाले नहीं। गूगल ने अपना नया नियरवाइज शेयर लैपटॉप के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसे आप यूज करके बहुत ही वायरलेसली, मतलब बहुत ही फास्ट और बहुत ही फाड़ू जो स्पीड है, स्पीड में आप लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। आप लोगों को नहीं पता है तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मैं बताने वाला कि आप लोग कैसे जो अपने फोन से लैपटॉप में या लैपटॉप से फोन में कैसे आप लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी वायरलेसली और वो भी एकदम मिल्खा सिंह के रफ्तार में। तो चलिए बिना किसी देर के चलिए वीडियो को फिर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आ जाना अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे आपको आ जाना android.com की जो वेबसाइट है इस पे आ जाना है, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से भी आके ये लिंक पे क्लिक करके ये वेबसाइट को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट स्टार्टेड विद बेटा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर लें तो ये डायरेक्ट आपका क्या हुआ, डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है मेरा, तो इस पर हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये मेनली आपको 1.3 MB का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आगे सबसे पहले रन के लिए तो रन कर लेता हूँ, और जैसे ही रन पे क्लिक करते हैं तो परमिशन मांगे तो परमिशन यस कर दे। उस बाद यहाँ पर उद्देश्य ये गूगल की तरफ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये हो रहा है वेटिंग फॉर डाउनलोड, डाउनलोड हो गया, अभी इंस्टॉल कर रहे हैं उसे। तो आई मीन ये क्या कर रहा है, आपका जो नियर बाय शेयर है जिसको विंडोज में इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे इंस्टॉल कर देगा तो उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने फ़ोन से डेटा शेयर कर सकते हो इजीली अपने लैपटॉप में, और अपने लैपटॉप से डेटा इजीली शेयर कर सकते हो अपने फ़ोन में। वीडियो को अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग, चलिए 20 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी 20 जो लाइक हैं ये कम्प्लीट करवा दो। तो यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ एक मैसेज आ चुका है इंस्टॉलेशन कम्प्लीट का, तो यहाँ मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नियर बाय। तो यहाँ पे जैसे मैं नियर बाय लिखता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियर बाय शेयर बीटा फ्रॉम गूगल आ चुका है। तो मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक डिवाइस इज ग्रेट और एक आता है थीम फ्रॉम एवरीवन। तो आप सिंपली रिसीव फ्रॉम एवरीवन अगर सिलेक्ट करते हैं तब आप क्या करेंगे कि कोई भी अगर अपने फ़ोन से आप लोग सेंड कर रहे हैं डेटा, तो आप लोग यहाँ पे इजीली आप लोग को यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए मैं आप लोग को आप लेके जाता हूँ साइड बाई साइड अपने फ़ोन के स्क्रीन से भी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो एक मूवी है ये 453 MB का है। तो इस पर मैं टैप करता हूँ, टैप करने के बाद मैं शेयर करता हूँ। जैसे मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है शेयर वेयर नियर बाय शेयर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे यहाँ दिखा रहा है सुधांशु PC यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं आ चुका है यहाँ पे साइकोस फोन आ चुका है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका नेम है सुधांशु PC दिखा रहा है। तो यहाँ सिंपली मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो आप लोग स्पीड देख सकते हैं काफ़ी स्पीड दे रहा है, जिसमें बहुत ही तगड़ा स्टाइल सी क्या हो रहा है कॉपी हो रहा है, जो कि बहुत ही फास्ट है। ये केबल का भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये जैसे ही ये हो जाता है मैं इसको अब कट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई फ़ायदा है नहीं। चलो कोई नहीं, कॉपी होने देते हैं, 453 MB का ही है तो इसको कॉपी फोन जाने देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग लॉगिन भी कर सकते हैं, जो नियर बाय शेयर है इसमें आप लोग अपना जीमेल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखें तो नीचे यहाँ लिखा हुआ है बीटा करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही मतलब धमाकेदार जो है स्पीड से यहाँ पे आ चुका है, और ये जो भी फाइल में गया है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया कि ये पाथ पे जाके ये जो वीडियो है ये सेव हो चुका है। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं कोई एक फाइल को अपने फ़ोन पे शेयर करके देखते हैं। और साथ में अगर आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे भी ये आ चुका है कि आपका जो है फाइल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोग सेम तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं अपने जो PC से फ़ोन पे सेंड कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसके लिए भी मतलब गाइड कर दूंगा कि आप लोग कैसे अपने PC से अपने फ़ोन में जो भी है डेटा आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा शेयर कीजिएगा।